मिट्टी जांच के लिए नमूना एकत्र करने में आपको कुछ उपकरणों व सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी, जैसे ऑगर, खुरपी, कुदाल, कपड़ा या पॉलिथीन बैग, टैग, सुतली, 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर चौड़ाई का पॉलिथीन शीट और मार्कर। आइए अब नमूना लेने की विधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले 1 एकड़ क्षेत्र में लगभग 8 से 10 जगह से वी आकार के 6 इंच गहरे गड्ढे बनाएं। इसके बाद खुरपी की सहायता से वी के आकार के किनारे से 1 सेंटीमीटर मोटे परत खुरचकर साफ मिट्टी को एक थैले में जमा कर लें। सभी 8 से 10 स्थानों से प्राप्त नमूनों को जमा करने के बाद संयुक्त नमूना बनाकर इसमें से कंकड़, पत्थर, घास पत्ती आदि चुनकर बाहर निकाल दें। फिर एकत्रित मिट्टी को 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर चौड़ाई पॉलिथीन शीट पर गोलाकार में फैलाकर 4 हिस्सों में बांट लें। अब 2 आमने-सामने के हिस्सों को रखकर बाकी के 2 हिस्सों को फेंक दें। इस प्रक्रिया को तब तक करते रहें जब तक कि नमूने की मृदा करीब 0.5 किलोग्राम न रह जाए। सूखी मिट्टी के नमूनों को थैली में भरकर मृदा नमूना पत्रक में किसान भाई अपना नाम, पिता का नाम, गांव, खसरा नंबर, तिथि, पूर्व में ली गई फसल, प्रस्तावित फसल और मिट्टी टैग लेने का उद्देश्य लिखने के बाद मिट्टी जांच प्रयोगशाला में भेज दें और फिर मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुसार ही फसल का उत्पादन करें।